इधर पंजाब नेशनल बैंक के कारनामों पर अगर आप खफा हैं तो उसकी कर्ज वसूली की एक कहानी सुनकर उनकी ईमानदारी की भी आप दाद देंगे। देखिए कैसे इसी पीएनबी ने लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी से लोन के 5000 रुपए वसूले थे। पीएनबी को अगर आप पूरी तरह से बेईमान और दागदारी समझ बैठे हैं तो अपनी जानकारी को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको चलना होगा 60 के दशक में। हमारे पीछे खड़ी इस कार की कहानी आपको बताएगी कि पीएनबी कभी कितनी ईमानदारी से अपने लोन की वसूली करता था। कभी ये कार देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हुआ करती थी। 1964 की बात है, तब इस कार की कीमत थी 12000 रुपए। शास्त्री परिवार की इच्छा इस कार को खरीदने की हुई, लेकिन परिवार के पास तब बैंक में सिर्फ 7000 रुपए थे। सवाल था कि कार खरीदें तो कैसे। पंजाब नेशनल बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया गया, 5000 का लोन। बैंक से लोन अप्रूव हो गया और शास्त्री जी के बंगले पर ये कार आ गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद देश और शास्त्री परिवार के साथ एक बड़ा हादसा हुआ। ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया। देश पर आई इस विपत्ति के इस दौर में शास्त्री परिवार पर एक अतिरिक्त संकट आया, 5000 का पीएनबी बैंक का लोन चुकता करने का। और लोन चुकाने की जिम्मेदारी देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी पर आ गई। तब शास्त्री जी की पत्नी ने अपने पति की मौत पर मिलने वाले पेंशन से 5000 की रकम चुकाई। बाबूजी के निधन के बाद जब ताश्रम में उनकी डेथ हुई तो उसके बाद अम्मा ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो भी शास्त्री जी के ऊपर कर्जा है वो स्वयं वो उसका भुगतान करेंगी। यहाँ तक कि हमारे बड़े भाई हरीश शास्त्री जी से भी उन्होंने कहा कि नहीं, इसका भुगतान मैं ही करूँगी। तो परिवार ने में पूरा फैसला हो गया और अम्मा ही ने उसका भुगतान किया। तो मानेंगे ना आप कि DLE6 नंबर की ये सीएट कार गवाह है कि पीएनबी कितनी पारदर्शिता के साथ काम करता है। सब पार्टियां अपने अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि पीएनबी को इसमें स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या है। लेकिन ठहरिए, ये बात करीब 54 साल पहले की है। तब शास्त्री जी की सादगी का जमाना था, उनकी पत्नी और परिवार की ईमानदारी का दौर था, और अब बैंकों में नीरव और कोठारियों का सिक्का चलता है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया,